अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जो कल हम अपनी मुर्गियों के लिए वैक्सीन लेकर आए थे, इंशाल्लाह आज हम अपनी मुर्गियों को वैक्सीन करेंगे। मुर्गियों को पानी में मिलाकर वैक्सीन को पिला देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल बर्ड्स इन सिटी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये वाली वैक्सीन हम अपनी मुर्गियों के लिए लेकर आए हैं। ये इसे 1 लीटर पानी में मिलाकर मुर्गियों को देंगे। तो ये हम 2 लेकर आए हैं, एक आज इन्हें डाल देंगे, एक फिर किसी दिन डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं वैक्सीन को खोल कर ये पानी में मिक्स कर लेता हूँ और मुर्गियों को पिला देते हैं। ऊपर से बड़ी अच्छी तरह उन्होंने बंद की है। मुर्गियों को प्यास लगी है, मुर्गियाँ सारी तंग कर रही हैं। ये देखें तो हल्का सा पानी गिरा रहे, हमारी मुर्गियाँ पीने आई हैं। और ये हमारी वैक्सीन तैयार हो गया। अब हम इसे अपनी मुर्गियों की पानी वाली बोतल में डाल देते हैं। और ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरा है और ये वाला चूजा पानी पी रहा है। इन्हें हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे प्यासा रखा है। तो बोतल इनकी हमने टैंकी के ऊपर रख दी है। तो अब इनकी बोतल में हम पानी डाल देते हैं ताकि ये पानी पी लें वैक्सीन वाला। तो दोस्तों, ये तकरीबन 1 लीटर पानी हमने इसमें डाला है। और ये देखें, हमारी मुर्गियाँ आ गई हैं, सारी मुर्गियाँ प्यासी हैं। तो ये मुर्गियों के बर्तन में थोड़ा सा पानी है, मुर्गियाँ यहाँ से पानी पी रही हैं। तो इनके आगे मैं पानी अब रख देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपनी मुर्गियों के आगे पानी रख दिया, तो इंशाल्लाह सारी मुर्गियाँ आकर पी लेती हैं। मुर्गा पिंजरे में चला गया, इसे भी मैं बाहर निकालता हूँ ताकि ये भी पी ले। जिस दिन का हमने अपनी मुर्गियों के पिंजरे के पीछे से ये वाला सुराख बंद किया, उस दिन की हमारे मुर्गियों के पिंजरे में सर्दी ज़रा भी नहीं होती। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी सारी मुर्गियां पानी पीना शुरू हो गई हैं। तो अभी शाम हो गई है, बाकी का पानी मैं इनके पिंजरे में रख दूंगा, एक बार ये बाहर पी लें तो घंटे बाद पानी को ज़ाया कर देंगे। तो दोस्तों, माशाल्लाह से हमारे सारे चूज़ों ने भी पानी पी लिया और हमारी सारी बड़ी मुर्गियों ने भी पानी पी लिया। तो हमने अपने तोतों का बल्ब जला दिया। अभी मैं छत पर आया था तो मुर्गियों को वैक्सीन डाली और इनका बल्ब भी जला दिया और वो हमारे तोते वो डंडे के ऊपर बैठे हैं। तो अभी मैं मुर्गियों को बंद कर देता हूँ। इस चूज़े की टांग मेरे पैर के नीचे आ गई थी, तो अभी मैं इन्हें बंद कर देता हूँ। पानी को अंदर रखता हूँ, आधे से 1.5 घंटे बाद पानी निकाल लूँगा ताकि ये सारी मुर्गियाँ पानी वैक्सीन वाला पी लें। तो अभी शाम हो गई है, इन्हें बंद कर देता हूँ और अपने तोतों के पिंजरे में जाते हैं और उन्हें दाना वगैरह डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, माशाल्लाह से हमारे बजरीज दाना खा रहे हैं और हमने अपनी मुर्गियों को वैक्सीन डाली है पिंजरे में और सारी मुर्गियां पानी पी रही हैं। और ये ग्रीन वाला पेड़ ऊपर बैठा हुआ है और हमने अपने तोतों के लिए ये जो अमरूद होता है ये भी इन्हें डाला था दोपहर को आधा। तो इन्होंने देखें काफ़ी सारा खा लिया, थोड़ा सा तकरीबन रह गया, तो ये भी इंशाल्लाह सुबह तक खा लेंगे। और ये जो हमारी ब्लू वाली तोती है ये ऊपर वाली कुज्जी में जाने लग पड़ी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में ही अंडे दे देगी। तो रात को हमने सारी रात बल्ब जलता रखा है क्योंकि तोते कल भूखे थे और तोते काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, घर वालों ने दाना नहीं था डाला। तो सारी रात तोतों के आगे मैंने दाना डाल ही रखा है। तो तोते माशाल्लाह से हमारे फुल एक्टिव हो गए हैं दोबारा से, ये देखें। तो दोस्तों, माशाल्लाह से हमारी मुर्गियों के भी वैक्सीन हो चुकी है और हमारे तोते दोबारा से फुल एक्टिव और होशियार हो चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बर्ड्स इन सिटी को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।